वो अपना सा। चुनौतियों से भरे इस सप्ताह में कल शाम 7 बजे देखिए। वचन लो अर्जुन कि तुम इस अधूरे रिश्ते को पूरा करोगे और ये वचन तुम बहुरानी की मांग में सिंदूर भर कर लोगे। कल शाम 7 बजे क्या जिया कर पाएगी इस कठिन परीक्षा को पार, या फिर रानो बन जाएगी अर्जुन के प्यार की हकदार। रानो को और तुमको 30 दिन दिए, इन 30 दिनों में हमारी दी हुई परीक्षा में जो सबसे ज्यादा बार जीतेगा उसी के साथ अर्जुन अधूरे फेरे पूरे करे। कल शाम 7 बजे क्या जिया कर पाएगी इस कठिन परीक्षा को पार, या फिर रानो बन जाएगी अर्जुन के प्यार की हकदार। आज से 30 दिनों तक जो भी सबसे ज्यादा बार परीक्षा को पार करेगा उसका पलड़ा भारी होगा। हर इम्तिहान के बाद हम खुद उसके पलड़े में श्रृंगार के सुहाग की एक निशानी रखेंगे। जिसके पलड़े में सबसे ज्यादा सुहाग की निशानी होगी हमारा बेटा अर्जुन उसका सुहाग बनेगा। कल शाम 7 बजे क्या जिया कर पाएगी इस कठिन परीक्षा को पार, या फिर रानो बन जाएगी अर्जुन के प्यार की हकदार। शारी पूरी रात जग के लड्डू बनाएगी तो नींद तो आएगी ना। जिया जिया उठो, लड्डू बनाते बनाते सो गई। पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई, मैंने लड्डू बनाए नहीं, वो गोंद यहीं पर थी, मैंने यहीं रखी थी, रात को कहाँ गई। 9 बजने में आधा घंटा बाकी और मुझे 10 किलो लड्डू बनाने, मैं कैसे करूंगी, कैसे बनेगा। ये रेसिपी जरूर काम करेगी और मैं कंपटीशन जरूर जीतूंगी। देखते देखते पता नहीं कैसे आंख लग गई। जिया को कहा था लड्डू बनाने में, उसे कंपनी दूंगा पूरी रात। जिया सो तो नहीं गई? जिया कहीं अब तक लड्डू तो नहीं बना रही? बेचारी पूरी रात जग के लड्डू बनाएगी तो नींद तो आएगी ना। जिया 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 उठो, जिया तुम लड्डू बनाते बनाते सो गई। लड्डू वो मैं, क्या हुआ अर्जुन? पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई, मैंने लड्डू बनाए नहीं, वो गोंद यहीं पर थी, मैंने यहीं रखी थी, रात को कहाँ गए। क्या बोल रही हो? अच्छा तुम चिंता मत करो, कुछ चिंता मत करो अर्जुन, 9 बजने में आधा घंटा बाकी है और मुझे 10 किलो लड्डू बनाने में, मैं कैसे करूंगी, कैसे बनेगा। भगवान कुछ सोचते हैं वरना तुम अपनी पहली परीक्षा हार जाओगी। हमारे होते हुए ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। रात को जिया जीजी की आंख लग गई थी, थक गई थी ना वो, तो हमने सोचा कि उनके हिस्से के लड्डू भी हम ही बना देते हैं। ये देखिए, क्या हुआ? देखता हूँ। टायर पंक्चर हो गया। टायर फिक्स करवा के घर पर छोड़ देना। ओके मैम, आपके लिए कैब मंगा देते हैं। टायरिंग डे था पर मजा बहुत आया। हेलो मिनी। यस, वो हम रानू बोल रहे हैं, अर्जुन जी की। ओह द ड्रामा क्वीन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे नहीं नहीं,
हमने आपको परेशान करने के लिए फोन नहीं किया है। हम वो ये जानना चाहते थे कि छोटे भैया हमारे, क्या वो आपके पास? हाँ देखो आकाश। हाय हृदय, हम तो भूल ही गए थे। क्या आपके पास थोड़ी ना आ सकते हैं? वो माई ने मना करा है ना? तुम किसी से प्यार करते हो इसका ये मतलब नहीं आकाश कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। तुम चाहते हो कि बिन्नी तुम्हारी इज्जत करे, उसके लिए तुम्हें खुद की इज्जत करनी होगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका दर्जा सबसे ऊपर है। गर्लफ्रेंड पत्नी ये सब बाद में है। नहीं आकाश, तुम्हारा कोई भी जस्टिफिकेशन तुम्हारी गलती को सही साबित नहीं कर सकता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? घर से चले गए, फोन बंद कर दिया, तुमने ये नहीं सोचा कि माँ कितनी परेशान होगी, हम सब परेशान होंगे, उनके नजरिए से भी तो सोचो ना। तुमने ये सब प्यार में किया, पर आकाश प्यार अपनी जगह है, प्यार में इज्जत और भरोसा होता है। तुम ऐसे ही बार बार बेइज्जत होते रहोगे तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी माँ, सबकी बेइज्जती होगी, ये सोचा तुमने कभी? आप सही कह रहे हो, बिन्नी को मनाने के चक्कर में मैं खुद को भूल गया था, भूल गया था कि मेरे साथ मेरे परिवार की भी इज्जत है। ये पासा तो उल्टा पड़ गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते। अपनी गलती का सच में एहसास हुआ है तो सॉरी कहो माँ से। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मैं बिन्नी का दिल जीतने के चक्कर में आपका दिल दुखा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपने छोटे को माफ कर दीजिए। बस आइंदा से ध्यान रखना आकाश, और हमेशा याद रखना कि अपनी और खानदान की इज्जत सबसे ऊपर होती है, बाकी सब चीजें बाद में। अर्जुन मुझे जाना है आरती के लिए, माँ नहीं तो अपसेट हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, खुश है तुमसे। वैसे भी रानू कर रही है ना आरती, कंपटीशन थोड़ा ना, इसके नंबर दोनों मिलेंगे। रानू क्या कर रही है और क्यों? काश ही मैं तुम्हें समझा सकती अर्जुन। अर्जुन बहुत मुश्किल से माँ थोड़ी खुश हुई है, तो मैं दोबारा अपसेट नहीं कर सकती, और मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये परीक्षा दे सकती हूँ। इस सोमवार शाम 7 बजे देखिए पर्दा उठेगा रानो के खेल से। मैं आपसे बहुत बड़ी भूल हो, हमें माफ कर दीजिए। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हमने माता रानी के श्रृंगार की जिम्मेदारी सौंपी थी तुम्हें। वाओ दी, ये जारा और कबीर का वेडिंग कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, और मीरा की शादी का कार्ड देख, कुछ कम नहीं है, बहुत खूबसूरत है। अरे दी, जारा तो आपकी दोस्त है ना, आप उसकी शादी में जाओगे ना, प्लीज मुझे लेके जाना, आई लव मुस्लिम वेडिंग्स। ऑफ कोर्स ले जाऊंगी बाबा। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो जारा और मीरा के लिए गिफ्ट खरीदने जाना है माँ के साथ। चल मैं चलती हूँ। ओके। अरे दी रुको, माँ तो मीरा के घर गई उनके हाथ बटाने के लिए। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग नहीं जाएंगे? अरे जी की बेटियों की शादी है यार। प्रज्ञा, क्या अभी की जमानत हो गई है? जमानत की तो अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी दादी, क्योंकि अब वो पूरे सम्मान के साथ घर आएंगे, सबको पता चलेगा कि वो बेकसूर है, उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इसका मतलब सबूत मिल गया उसकी बेगुनाही? सबूत नहीं दादी, गुनहगार मिल गया, सिमोनिका जिंदा है। समझ नहीं आता तुमको, हम कह रहे पियो तो पीना पड़ेगा। बहुत हुई आपकी बेहूदगी।
देखो लल्ला, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, कह दिया हमने बस। माँ, नेक बाबी प्रॉपर्टी के लिए कोई केस वेस ना कर दे, कलयुग है, सीता होना इतना आसान नहीं है। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या होगा बेचारी सीता का?